नमस्कार दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो अपने आप में आइकॉनिक है और लेजेंडरी है, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनकी स्पष्टता उनके शब्दों के चयन से और उनके आचरण से स्वाभाविक रूप से झलक रही थी। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पर नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। अपने घर में रहिएगा और मेरा खास निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से, माताओं से, बहनों से, देखिए जान रहेगी तो आवाज़ रहेगी। आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके माता पिता हैं, सभी आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। आप खुद भी असुरक्षित थे और आपकी वजह से वो भी असुरक्षित हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा स्वरा भास्कर जी से, अनुराग कश्यप जी से, ओबीसी साहब से, वो सभी लोग जिन्होंने हाथ में हाथ रखकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से उनके साथ खड़े रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मतभेद होने लाजमी है, पर इस समय मुद्दा इससे ऊपर उठ चुका है। इस समय समाज का और इंसानियत का मुद्दा है, तो कृपया आपकी बातें वो सुनते भी हैं। कृपया उन्हें कहें कि वो अपना प्रदर्शन कम से कम तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं निकलता, ये खत्म नहीं होता। और मैं भी, हालांकि मैं इंडिया में नहीं हूं, पर मैं आप लोगों के साथ में 5 बजे ज़रूर शाम को इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं टीवी के पास में जाऊंगा और आपके साथ में तालियां बजाऊंगा। और मुझे मेरे दोस्त ने लिखा था एक कहीं पर कि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास में बालकनीज होती हैं, बट खिड़कियाँ तो हर किसी की होती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। तो आप ज़रूर उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तालियां बजाएं और उन्हें दुआएं दें जो अपनी जान पर खेलकर आप लोगों के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। और रात को 8 बजे, क्योंकि आप लोग घर में बैठे होंगे, तो मैं भी आपके लिए कॉन्सर्ट करता हूँ। चलिए, लाइव आई गो लाइव एट 8 o'clock इंडियन टाइम, एंड आपके लिए नहीं, दुबई से एक स्टूडियो में जाके एक छोटा सा कॉन्सर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। आप सब देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड जय हिंद। Hi everyone, I know it's an unsure time for all of us, but hope you're doing okay. We're sending you positive vibes. And let's just take care of each other, and I hope everyone is safe out there. Just lots of love. Namaste, assalamu alaikum, sat sri akal, kaim cho. Mera naam hai Salman Khan. Pehle to un sab ko thank you kehna chahunga main jo ke अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। घर पर हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत जरूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना जरूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूं, बता दूं, मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफर से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद
इनमें से कुछ यात्री न सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। हर फिल्म में दो तरह के किरदार तो ज़रूर होते हैं, एक हीरो, एक विलन। असल ज़िंदगी में भी ऐसे कई किरदार मिलेंगे आपको, जैसे आजकल देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विलन कोरोना वायरस है, और सबसे बड़े हीरो कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स, कुछ बहुत ज़रूरी सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं सफाई कर्मचारी, जागरूक नागरिक। इस मुश्किल की घड़ी में मदद करने वाला हर शख्स। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी पिक्चर के कास्टिंग डायरेक्टर हम खुद हैं। हमें हीरो बनना है या विलन, ये हमारे हाथ में है। हाथ साफ तो हीरो, हाथ साफ नहीं तो विलन। यही है इस पूरी पिक्चर का सार। हीरो को हाथ धो के विलन कोरोना के पीछे पड़ जाना है। अगर कहीं कोई कसर रह गई हो सावधानी में तो घबराइए मत। कस्तूरबा हॉस्पिटल में, KEM हॉस्पिटल में, साथ ही अलग अलग हॉस्पिटल के सहयोग से BMC ने आपके स्वास्थ्य के लिए सारा इंतजाम कर रखा है। आपको मालूम ही है कि सरकार, BMC, पुलिस सब दिन रात हम सब की सुरक्षा के लिए अलग अलग इंतजाम में लगी है। हमें बस उनका साथ देना है। बस साथ दीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर के बाहर बेवजह मत जाइए, भीड़ से दूर रहिए। कोई भी सिम्टम्स हो तो कस्तूरबा में जाँच करवाइए और हाथ धोकर कोरोना वायरस के पीछे पड़ जाइए। किसी भी हालत में उसे बचने मत दीजिए। क्लाइमैक्स में मजा तभी आता है जब विलन मारा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना बुरा साया डाला हुआ है। इस कठिन समय में अगर हम और आप एक हों, एक साथ हों, तो इस मुश्किल को रुकना होगा, पलटकर जाना होगा, हारना होगा। KEM और कस्तूरबा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ। अपनी परवाह ना करते हुए एयरपोर्ट्स पर भी डॉक्टर्स की टीम हर एक आने वाले की जांच में लगी हुई है। ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें बस इनका साथ देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात बरतनी है बस। हम जहां पर भी हैं, काम पर, घर में, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए। अगर छींक आए तो अपने मुंह को हाथ से कवर कीजिए। हो सके तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें। अगर आपके आसपास किसी को खांसी, बुखार या सुकाम है तो उनसे कुछ फीट की दूरी बनाए रखें। याद रखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी किसी एक को नहीं, हम सबको करनी होगी। Hey guys, I hope you guys are doing good. I'm just checking in on everybody at this time. I know we are going through a very difficult situation globally. It's crazy. I just wanted to take this time to, you know, tell everybody that it's important that we stay calm. It's important that we keep our mental health in check, especially at a time right now where
There's a lot of fear mongering happening, a lot of misinformation going around, and you know, we just don't know what to believe. But one thing is for sure, we should self-educate ourselves to contain the spread of this virus. Whatever we can do will matter, whether it's social distancing, washing our hands, keeping ourselves at home and not going out unless it's necessary. These are important steps that could help contain the spread of the virus. At the same time, I think what's really important is being positive, staying calm, and having faith in God. And I'm for sure, I'm someone right now who's keeping everybody in my prayers. I'm also extending my prayers to everybody globally, to people who are going to be facing economic hardships, people who are going to be facing a lot of stress and anxiety. It's going to be very difficult for us to get through this, but I want everyone to know and understand that we will definitely get through this together. But it's important that we maintain hope, faith, and we keep positivity going around, you know, supporting each other. We can't do this alone, but we can do it together. But yeah, I'm keeping everybody in my prayers, and I'm definitely, you know, trying to make you guys understand the importance of having faith in God at a time like this. I know we're going to get through this, inshallah. I know we will. We will get through this, but it's important that we stay calm and we keep our mental health in check. So my prayers go out to everybody who's, you know, self-isolating right now, who's, you know, probably away from their family at the moment because of the certain travel restrictions right now, people who do have the virus and are recovering, and for any family member that's lost anyone due to the virus, my prayers go out to everybody. I really want to stress the importance of staying calm and being positive and just making sure we don't let anxiety, fear, and panic engulf us in such a situation. Stay safe, everybody. I love you guys. Take care. अब काफी वक्त हो गया है, सभी को पता चल गया है कि कितना सीरियस मैटर है, और वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स ने बात की है इस पे. उन्होंने कहा है क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज का प्रिकॉशन लेना चाहिए. सैनिटाइज, घर पे रहो. लेकिन अभी भी हम जो हैं इंडिया में स्पेशली बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, और मैं सिर्फ ये मैसेज उन्हीं को देना चाहता हूँ कि प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत ही सीरियस मैटर है. कुछ कंट्रीज ने इसको लाइटली लिया था, आज बहुत बुरा हालत है इनका. एंड जिस कंट्री से स्टार्ट हुआ है, चाइना में, उन्होंने इससे लड़ा और अब वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि वो बहुत ही जल्द नॉर्मल होने वाला है. क्यों? क्योंकि हर एक इंसान वहां पे इस चीज की प्रिकॉशन ले रहा है. हम जो हैं वो बहुत लाइटली ले रहे हैं. अभी भी हम बहुत सारे लोग, मैं देख सकता हूं कि बहुत ऐसे ही लाइटली ले रहे हैं, घूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, प्लीज इसको लाइटली मत लो. स्टे एट होम फॉर योर लव्ड वंस. एंड कुछ दिनों की बात है, ये जैसे कंट्रोल में आ जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा. आई नो बहुत मुश्किल होता है, जो डेली वेजेस वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि घर कैसे बैठ सकते हैं. बट इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा. बट जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि डोंट टेक दिस लाइटली, दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर. इसे ये हॉलीडे समझ के घूमो मत, घर पे रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो. एंड प्लीज बी सेफ, और बहुत बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना. एंड हमारी गवर्नमेंट बहुत हर रोज़ कुछ ना कुछ बता दी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हम लोग. इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो लॉकडाउन हो गई है, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर ही सीरियस है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, क्या क्या प्रिकॉशन है वो सब आप जानते हैं. मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि प्लीज टेक इट सीरियसली एंड डोंट टेक इट लाइटली. एंड दैट्स अबाउट इट. एंड स्टे एट होम. आई थिंक बहुत अच्छा भी लगेगा जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो और थोड़ा वक्त बिताइए उनके साथ.
मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में कि मुझे इतना सारा वक्त मिलेगा कि मैं घर पे रहूंगा, घर के काम करूंगा, अपनी वाइफ के साथ रहूंगा, अपने बच्चों के साथ रहूंगा, अपने कुत्तों के साथ टाइम बिताऊंगा, गार्डनिंग करूंगा। तो ये सब चीज मुझे ऐसी मिल गई है। तो मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट स्टे एट होम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे एट होम एंड बी सेफ एंड थोड़ा सा आप लोग का साथ मिलेगा तो आई थिंक ये सारा कंट्रोल में आ जाएगा एंड लेट्स कम टुगेदर एंड हेल्प द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। सो ऑल द पीपल, इट्स अ रिक्वेस्ट, बी सेफ, बी एट होम। गाइस, घर रहना है, घर वालों के साथ चिल करो, उनको भी घर से बाहर नहीं जाने देना है। ये दूर से ही सलाम नमस्ते वाला टाइम है अभी। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन फिल्म, दिस इज रियल, पीपल आर डाइंग अराउंड द वर्ल्ड। जो वीडियोस आ रहे हैं वो सच्चे हैं, कन्फर्म्ड सोर्सेज से आ रहे हैं। प्लीज घर रहो, यू हैव टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग राइट नाउ। एंड ये अगले जो 10-15 दिन है बहुत क्रूशल है इंडिया के लिए, बहुत ज़्यादा क्रूशल है, मजाक की बात नहीं है। 10-15 दिन की बात है यार, घर रहो, चिल करो, मीम्स भेजो एक दूसरे को, यू नो, अवेयरनेस इंक्रीज करो, बट स्टे होम, स्टे होम। और कोई बाहर से आ रहा है, नहीं मिलना। कोई आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, समझने दे। कोई आपको कोई सोच रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं है भाई, ऐसे ही ठीक है। 10-15 दिन की बात है, हम घर बैठे हैं, आप भी घर बैठे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर।